हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग न्यू चैप्टर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग। एवरी कंप्यूटर ऑलवेज ओपन देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट डू एनीथिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या, सबसे पहले मैं बताऊँ कि क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर वन, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सेकंड जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क होता है। अब जब आप ये पूरा गो थ्रू करेंगे तो इसमें आपको पता पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, और बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। बहुत सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल दूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंप्यूटर ओपन करेंगे या कोई भी मोबाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ना हो तो हम कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही हम मोबाइल स्टार्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ना कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं, ना वो चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज को इसी कंटेंट है उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर रन होता है, मोबाइल पर भी रन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी एज़ सून एज़ वी स्टार्ट द कंप्यूटर एंड रिसेट्स ऑल द टाइम टिल द स्विच ऑफ। अब इसमें इसका मीनिंग ये है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो सारी फाइलें जो उसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी फाइलें लोड होती है, जिसके कारण हम कोई भी टास्क करते हैं तो हमारा टास्क इजीली परफॉर्म होता है। तो इस स्टार्ट द कंप्यूटर एंड रिसेट्स देयर ऑल द टाइम टिल द स्विच ऑफ। द प्रोसेस दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज बूटिंग। अब बूटिंग एक बहुत अच्छी टर्म है और समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बूटिंग क्या होता है मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो सारी फाइलें लोड होती है। स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड लोडिंग ऑल द फाइल्स इन मेमोरी, दिस इज कॉल्ड बूटिंग। और बूटिंग दो टाइप की होती है, एक होती हार्ड बूटिंग, एक छोटी हॉट बूटिंग, और एक होती कोल्ड बूटिंग, COLD, cold booting। नॉर्मल कंप्यूटर शटडाउन होता है और नॉर्मल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। मतलब नॉर्मल तरीके से हुआ, कुछ भी आपने करा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एरर नहीं आई, कोई एरर आने की संभावना भी नहीं, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। फिर हॉट बूटिंग होती है कि जब कंप्यूटर रीसेट करते हैं या हैंग हो जाते हैं या अल्टर कंट्रोल डिलीट हम मारते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका वर्क होता है वो हॉट बूटिंग। मतलब कंप्यूटर नॉर्मल
then we shut down your normal memory, start memory. उसको बोला जाता है हार्ड बूटिंग. तो दोनों तरह की बूटिंग अपन देख चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ टास्क टू हेल्प यूजर वर्क ऑन कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या टास्क परफॉर्म करता है जिससे कंप्यूटर पे यूजर इजीली वर्क कर सके. यूजर मींस वी आर यूजर, हम लोग यूजर हैं, इसीलिए हम उसको टास्क के टास्क को कंप्लीट कर सकते. थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क दैट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म. तीन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क परफॉर्म होते हैं. फर्स्ट बता रखा है, आप जब इसका राइट साइड इसका फिगर देखोगे तो फिगर बहुत कुछ शो कर रहा है. ये फिगर, दिस फिगर शोज मोस्ट ऑफ द थिंग्स. पहला हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जो जरूरी है. दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं हो सकता है. तो जैसे ही हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होगा. और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो उसके बाद आप एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूजर अपना वर्क कर सकते हैं उसके बाद. तो ये चीजें अपना रोल प्ले करती है. फिर बात आती है यूजर अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं. अब ये यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन चीजें बताई गई, इन तीन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर में इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, स्टोरेज आ गया, प्रोसेसर आ गया, ये सारी चीजें आ गई तो इनको कंट्रोल करता है. ये कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपकी कोई एरर आ रही है तो एरर आने की पॉसिबिलिटीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अच्छा, एक और इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ जो कि आपको इस फिगर से भी दिख पा रही है, ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर. यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. आगे बात करते हैं वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, सेकंड वाला पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग है. वो जो बता रहा है वो ये बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस. तो यूजर और हार्डवेयर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है जिसके कारण आप कोई भी काम कर पा सकते हैं. दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर टू वर्क ऑन कंप्यूटर एंड यूज कमांड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको रन करना. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने पुरानी लेक्चर्स में बताया है, मैं उसको फिर एक बार रिवाइज करता हूँ. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच इज क्रिएटेड फॉर रिक्वायरमेंट. अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड. हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. जैसे एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेजमेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टोरल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती है, वो कहलाता है आपको. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएंगे. ये मैंने आपको बता दिया. अब
मेरे ख्याल से आप इसको गो थ्रू कर भी लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम तो आगे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं। वैसे तो काफी सारे फंक्शन हैं जिसकी हम बात करें, कोई भी एक फंक्शन तो है जिस पे हम बोल सके कि ये अब इसका पहला, ऐसे काफी सारे फंक्शन हैं जैसे इसमें दे भी रखा है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, रिसोर्सेस मैनेजर, ऐसा बोला भी जाता है। फिर सबसे पहला जो बता रहा प्रोसेसर मैनेजमेंट सीपीयू, अब सीपीयू में क्या करता है, ये कैसे काम करता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग ट्रेल। पहला सीपीयू रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम रन होता है या कोई भी चीज रन होती है तो वो कहलाती प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड द स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर का रिकॉर्ड रखता है एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस, उनका स्टेटस भी बताता है। पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। अब कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेसर को मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कौन सी प्रोसेस आएगी, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, पूरी हो गई है या रनिंग में है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है। सेकंड बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोग्राम गेट्स द प्रोसेसर। व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे 10 स्टूडेंट आए तो हर स्टूडेंट अपना काम करके आया, अब हर काम को एक टीचर को चेक करना है, तो टीचर ने बोल दिया कि जो पहले आया हो पहले उसका चेक होगा, तो ये एक शेड्यूलिंग हो गई। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जिसका मतलब और भी तरीके हो सकते चेक करने के, जिसने प्रॉपर डेट पे दिया हो वो पहले चेक करा दे, जो प्रॉपर टाइम पे आया वो पहले चेक करा दे, तो इसको बोला जाता है। इस तरह की चीजों को जो प्रोसेसर जो प्रोसेस को टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करता है उसको प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग कहते हैं, जिसमें क्लियर हो जाता है कि उसका शेड्यूल क्या है। नेक्स्ट आता ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट करता प्रोसेस को कि वो कब एग्जीक्यूट होगी और कब नहीं होगी, एंड एलोकेट्स इट व्हेन द प्रोसेस इज नो लॉन्गर नीड। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर चुकी है तो मेमोरी में ऑक्यूपाइड है और अब लग रहा है कि उसका कोई यूज नहीं दिख रहा आगे तक, तो आप उसको डीएलोकेट भी कर सकते हैं। डीएलोकेट करना मतलब वो ऑटोमेटिकली, वो ज्यादा टाइम तक यूज नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये डीएलोकेट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं डीएलोकेट टू सम अदर प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस को डीएलोकेट करना। डीएलोकेट करना मतलब अब ना एलोकेट ही नहीं करिए उसको, मतलब मान लो कोई एक एक्स वाई जेड प्रोसेस चल रही, उसका काम खत्म हो गया लेकिन मेमोरी में ऑक्यूपाइड है, उसका काम खत्म हो गया तो मेमोरी से फ्री करने के लिए आपको डीएलोकेट करना होगा, तो बोलते हैं डीएलोकेट टू सम अदर प्रोसेस, तो वो दूसरी प्रोसेस के लिए हम जगह खाली करेंगे। जैसा हम देखते भी हमारे मोबाइल में
कैसे मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है, हम कैसे क्लियर करते हैं, जिससे हमको स्पीड फास्ट मिलने के चांस देते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी सबसे पहली चीज तो ये होती है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस OS script takes bit of primary memory. This part of primary memory is in use. Memory management मतलब दो तरह की memory होती है, primary memory और secondary memory. Primary memory में आता है RAM, primary memory में आता है ROM. और ये अपना काम करती है, एक process होती है और free करती है. और जो मतलब मेमोरी को मैनेज करना मतलब कौन सी खाली स्पेस है, मेमोरी को मैनेज करने का मतलब कौन सी खाली स्पेस है, कौन सी स्पेस खाली स्पेस में वो मेमोरी एलोकेट होगी, खाली स्पेस कितनी अवेलेबल है, कौन सी खाली स्पेस में कौन सा डेटा हम सेंड कर सकते हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है। और इसके अकॉर्डिंग वो काम होता। फिर सेकंड आती है OS decide the memory requirement of the various program allocated accordingly. अब जब आप देख रहे हैं OS decides the memory requirement, OS decides the memory requirement of various programs and allocates them memory accordingly. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या रहता है कि जो जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी और उन्होंने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मेमोरी को अलोकेट करेगा। अलोकेट करेगा मतलब जगह करेगा। मान लो जैसे अब आपको ऐसे हम समझाएं कि आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट है। अब 15 स्टूडेंट है और एक क्लास है, तो हमने सोचा 15 स्टूडेंट है तो कितनी बेंच लगेगी, तो हम ये मान रहे कि एक बेंच पे 3 बैठते हैं, तो हमने माना कि 5 बेंच पे 15 स्टूडेंट बैठे। देखा जाए तो उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो ये अलोकेशन और डीएलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम डीएलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज। अब सही बात है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी चीज आपके अलोकेट होती है तो जब उस चीज का उपयोग नहीं हो रहा है तो फिर उसको आप डीएलोकेट भी कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डीएलोकेट्स द मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम इज क्लोज्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसकी मेमोरी को डीएलोकेट करता है एंड मेक इट फ्री अप, फ्रीड अप मेमोरी और फ्री करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ द मेमोरी बाय एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के थ्रू वो बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ मेमोरी बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के थ्रू वो बता रहा है। अब नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल सबसे पहले चीज की फाइल होती क्या है, फाइल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। Without file is a collection of characters.
तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को मैनेज करता है। आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारे फाइलें बनती है, काफी सारे डायरेक्टरी बनती है, काफी सारे फोल्डर बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज मैनेज होती है, कौन सी लोकेशन पे फाइल स्टोर होगी, कौन सी डायरेक्टरी स्टोर होगी। अच्छा, डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही बात होती है, इस बात को ध्यान रखना। डॉस की भाषा में उसको डायरेक्टरी बोला जाता है, विंडोज की भाषा में उसको फोल्डर बोला जाता है। फिर आगे बात करें हम, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइल थ्रू ए हायरार्की ऑफ डायरेक्टरी। हायरार्की मतलब ट्री स्ट्रक्चर। मैं आपको देखो एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये सब येलो कलर के जो दिख रहे हैं ये सब फोल्डर है, इसको हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ये मान लो इस डायरेक्टरी में आपको देखना है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर ये सारी डायरेक्टरी, अब ये देखना है, तो देखो ये राइट साइड जितनी भी लेफ्ट फाइल है और लेफ्ट साइड जितनी भी वो डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी क्या होती है, फोल्डर फाइलों और डायरेक्टरी को रखने की जगह फोल्डर कहलाती है या डायरेक्टरी कहलाती है। मतलब डायरेक्टरी इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल, और आप अगर फोल्डर की भाषा में बात तो फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फोल्डर एंड फाइल। अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड, इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेशन यूज स्टेटस। अब उसमें यही है कि इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, कौन सी फाइल कहाँ रहेगी, किस लोकेशन पे रहेगी, उसका यूज क्या, उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें, तो वो कहलाती है आपकी कि आप किस लोकेशन पे यूज करोगे सब चीजें। अब इसमें एक और बात है, इसमें ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इट परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग, डिलीटिंग, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर। ये सारे फाइल और फोल्डर को बनाना, डिलीट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, फाइलों को लोकेट करना, लोकेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना, तो ये भी फाइल मैनेजमेंट का पार्ट ही है। फिर नेक्स्ट आती है, इट मैनेज रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस एन अपडेटेड लिस्ट फाइल। It manages request from processor and application program to access an update file. सारे programs को access करना मतलब देखना, update करना मतलब उसमें change करना। तो फाइलों को, फाइलों और फाइल से related जितनी भी activities perform होती है उसको check करना, कहाँ रखना, कैसे रखना, कब रखना। अच्छा एक और बात, फाइल और फोल्डर से चीजें एक और चीज क्लियर होती है कि आपको फाइल में read की permission देना, मतलब केवल पढ़ने की, केवल लिखने की परमिशन देना, फाइलों को हाइड करना, जैसे फाइल को आप हाइड भी कर सकते हो फाइल और फोल्डर को, फैसिलिटी है। फिर आगे बात होती है डिवाइस मैनेजमेंट, नहीं सॉरी, डिवाइस मैनेजमेंट के पहले ये आखिरी वाला एक पॉइंट बचता है, इट कंट्रोल एक्सेस टू द फाइल थ्रू फाइल एक्सेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। It control access to the file through file access authentication or मतलब फाइल में अगर आपको कोई परमिशन दे रखी है तो आप उसको देख सकते हो, ओपन कर सकते हो, ये चीज बताई जा रही है। अच्छा एक चीज और है उसमें जो इसमें यहाँ नहीं दी है, फाइल सिक्योर है नहीं है, ये भी फाइल मैनेजमेंट के पार्ट है। अब नेक्स्ट आती है डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अटैच्ड एस टू द कंप्यूटर थ्रू ए प्रोग्राम नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है जो भी डिवाइस उससे अटैच है कंप्यूटर से,
मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको कैसे मैनेज करना, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनपुट डिवाइस मतलब आउटपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड है, माउस है, ये कैसे मैनेज करना और किस तरह से मैनेज करना, ये बताता है डिवाइस मैनेजमेंट। इस चीज को अब सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इट अलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स द डिवाइस टू द प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे सो एज टू ऑप्टिमाइज द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अलोकेट करना और डीएलोकेट करना डिवाइस को, अलोकेट मतलब कीबोर्ड माउस को यूज करना नहीं करना। अब कीबोर्ड माउस तो कंपल्सरी डिवाइस है, और भी ऐसे डिवाइस है जो जैसे स्कैनर आपने टेम्परेरी यूज करना तो स्कैनर यूज करके आप हटा सकते हो, तो प्रिंटर आप लेके अटैच कर सकते हो, अटैच करा मतलब अलोकेट करा, डिवाइस अलोकेट हुई हटा दिया तब भी अलोकेट करा, उसको बोलते हैं अलोकेशन और डीएलोकेशन। डिवाइस मैनेजमेंट के थ्री मेंटेनेंस, अब इसके अलावा भी और भी काफी सारी चीजें मैनेज होती है, रिसोर्स जो सिस्टम होता है वो भी मैनेज होता है, काफी सारी एक्टिविटीज भी मैनेज होती है। अब ये बता रहा कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से कॉमनली यूज होते हैं, अब एक हम जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज है, एक होता है यूनिक्स होता है, एक होता है लाइनेक्स होता है, जो दे भी रखा मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप टेबल टेबलेट स्मार्टफोन मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टू लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट। Let us learn about some popular operating system available these days. तो ये समझे हम कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो पहला बता रहा है Unix। ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफी सारा स्ट्रॉन्ग है और काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। It provides multi-user facility, multitasking facility. It is a wide use in the server, workstation, distributed network. But has never been popular as an operating system for personal computer. Unix operating system is primarily character user interface. अब character user interface का मतलब है character type करके आप उसका effect देख सकते हैं। इसीलिए इसको character user interface बोला। फिर नेक्स्ट बात आती है लाइनेक्स की। लाइनेक्स और यूनिक्स एक जैसे ही था, यूनिक्स का इलोबरेटेड फॉर्म जो है वो लाइनेक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है सोर्स कोड उसके देख सकते हो, मतलब उसकी कोडिंग कोडिंग मतलब अंदर जो लिखी हुई है वो देख सकते हो, वो फ्री है, कोई भी देख सकते। That is freely distributable and can be installed on variety of device. किसी भी device में use कर सकते हो। है ना, the core of Linux in the Linux kernel that was developed by Linus Torvalds 1991 में हुआ था। Linux kernel was combined with the JNU tools developed by Richard Stallman in 1983. तो खैर ये तो इसका इतिहास बता रहा है, पर Linux एक तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जीयूआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने ऊपर सीयूआई देखा था, सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और लाइनेक्स में आप वो ये भी बोल रहे हैं कि आप वीडियो गेम भी इंस्टॉल कर सकते हो, टेबलेट भी इंस्टॉल कर सकते हो,
डिवाइस कोई दूसरी है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो काफी सारी एक्टिविटीज रहती है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो और काम कर सकते हो। विंडोज ये तो पढ़ा हुआ आपने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आप कीबोर्ड माउस से मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिखती है और आप क्लिक करके डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही बताती है। आप फिर भी एक बार उसको गो थ्रू करो। MS Windows is a familiar operating system, graphical user interface operating system developed by Microsoft company. अब ये Microsoft company ने develop करा। Unix Linux का कोई जन्मदाता नहीं है। Unix का तो फिर भी Dennis Ritchie है 1972 में करा था। Linux का कोई भी जन्मदाता नहीं है, मतलब कोई भी एक person को आप नहीं कर सकते। Windows operating system Microsoft company का product है। इलोबरेटेड प्रोडक्ट है, हर घर में यूज होता है। विंडोज के वर्जन भी 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, ऐसे काफी सारे वर्जन हैं जो ये बताते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लूं। अब ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे नॉर्मली मोबाइल में आता है वो बेसिकली एंड्रॉइड आता है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही यही कि उस मोबाइल के अंदर कोई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो रेफर्ड मोबाइल ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट ए मोबाइल डिवाइस, जो मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग काम करता है। सच एज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टेबलेट, पीडीए। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर इसमें लिखा मॉडर्न मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंबाइंड द फीचर ऑफ। आजकल जितने मोबाइल आ रहे ना वो काफी सारी फैसिलिटी आ रही है, फीचर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद अदर फीचर्स। कौन कौन से फीचर आ रहे हैं कि भैया टच स्क्रीन का फीचर आ रहा है, सेलुलर का फीचर आ रहा है, ब्लूटूथ का फीचर आ रहा है, ये बड़ा कॉमन है। वाईफाई का फीचर आ रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन का है फीचर, नेविगेशन का है, कैमरे का है, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी फैसिलिटीज आजकल उसी में इनबिल्ट आ रही है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला है वो बेसिकली एंड्रॉयड ही है और एंड्रॉइड में वो सारी चीजें फैसिलिटी आपके आ रही हो। देखते रहो आप, नॉर्मली हम कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और अगर मोबाइल वगैरह में हम देखते हैं तो जनरली हमको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। ये दोनों में अंतर है और एंड्रॉइड चल भी रहा है अभी। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मैंने अभी आपको बोला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है बेसिकली हर मोबाइल में आपको मिलता है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने डेवलप करा है और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और अच्छा एक और चीज़ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब कोई भी यूज़र इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। तो डेवलप किसने करा है? गूगल नहीं करा है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड टुडे एंड रन्स द मोस्ट नंबर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इट्स यूजर एक्सेस टू लेक्स ऑफ इनोवेटिव एंड यूजफुल एप्लीकेशंस एंड गेम्स ऑन देयर मोबाइल डिवाइस। तो इसमें काफी सारे गेम्स और वो सब चीजें भी हैं। अच्छा इसमें अब ओरियो 8.0 बता रहा है। अब लेटेस्ट वर्जन तो काफी सारे आ गए एंड्रॉइड में,
9, 10, पर इन्होंने ओरियो बताया, ये बुक जब पब्लिश हुई होगी उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। फिर सेकंड है iOS, iOS एप्पल में ही मिलता है। iOS इज द फैमिली ऑफ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड फ्रॉम द macOS डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल में मिलता है, मैंने अभी आपको बोला एप्पल में iOS मिलता है, तो वो बेसिकली मेक बेस्ड रहता है, MSC मेक बेस्ड। इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है क्यों, क्योंकि एंड्रॉइड के बाद iOS ही फेमस है एंड इट इज यूज्ड टू रन एप्पल आईफोन आईपैड टच एंड सेकंड जनरेशन। फिर नेक्स्ट है सिम्बियन, ये बेसिकली नोकिया के लिए चलता है और ये भी फेमस है पर इतना ज्यादा नहीं है। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाय नोकिया फॉर सर्टन मॉडल ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के कुछ मॉडल के लिए डेवलप हुआ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डिसकंटिन्यू 2012 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था, मतलब आगे डेवलपिंग नहीं हुई थी। ऑल्दो ए स्लिम डाउन वर्जन फ्रॉम बेसिक फोन वॉज स्टिल डेवलप्ड अंटिल 2014 जुलाई। तो वो बता रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो दूसरे वर्जन है छोटे वाले वर्जन वो जुलाई 2014 तक भी चले हैं। और फिर आपको मालूम है कि आफ्टर एक्वायरिंग नोकिया माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीटली स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। और नोकिया को जब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफ करा है तो उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ध्यान नहीं दिया। तो ये आपको मैंने पता है आज, तो आज के लेक्चर में बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फंक्शंस और कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं ये बताया गया। लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप है, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी है अपने इसमें, इसको करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्लियर भी होगा। और अभी भी अगर ऐसा कुछ लगता है, कुछ डाउट, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपके 9th की ग्रुप में भी हूँ, ये भी सेक्शन में, यू कैन आस्क। आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप पूछ सकते हो उसमें किसी भी तरह की। तो इस लेक्चर में आप आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मैंने आपको बताया।